सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ लेटेस्ट ऑटोमोटिव वीडियोस के सबसे पहले नोटिफिकेशन पाओ। यूजुअली मैं अनबॉक्सिंग वीडियोस वगैरह करता नहीं हूँ क्योंकि आप सभी को मालूम है कि मेरा जो चैनल है वो बेसिकली ऑटोमोबाइल का चैनल है, लेकिन आज दोस्तों मुझे लगा कि क्यों ना आपसे एक अनबॉक्सिंग वीडियो जो शेयर करूँ इस प्रोडक्ट के बारे में। अब दोस्तों ये इस प्रोडक्ट को मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए मंगवाया है और क्योंकि ये एक कार से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो मुझे लगा कि ये आपके लिए भी यूजफुल हो सकता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक इसके ऊपर भी वीडियो बनाया जाए। सो गाइस ये बेसिकली एक मैग्नेटिक मोबाइल माउंट है और आप सभी जो भी कार ड्राइव करते हैं आपको पता ही होगा कि आजकल मोबाइल को जो है नेविगेशन वगैरह के टाइम यूज करने के लिए एक डॉक की जरूरत हमें बहुत पड़ जाती है, तो इसीलिए दोस्तों मुझे भी इसकी जरूरत पड़ रही थी। मैं भी जो है दोस्तों एक अच्छा माउंट ढूंढ रहा था अच्छे क्वालिटी का जो कि रिलायबल हो, क्योंकि कई सारे जो चीप वंस होते हैं वो थोड़े टाइम बाद टूट जाते हैं या फिर ढीले हो जाते हैं, और इसी वजह से दोस्तों मैं एक अच्छे क्वालिटी का जो है माउंट ढूंढ रहा था। और ऐसे में दोस्तों मैं ऑनलाइन सर्च कर रहा था और अमेजन पे मुझे ये प्रोडक्ट दिखा, तो इस प्रोडक्ट की जो रेटिंग्स एंड रिव्यूज थी काफी अच्छी थी, तो मैंने सोचा कि उन्हें खुद के लिए एक बार मंगवा के देखता हूँ कि कैसा प्रोडक्ट है। ऑब्वियसली दूसरे माउंट से तो थोड़े कॉस्टलियर साइड पे था। मैंने इस प्रोडक्ट को लिया है ऑल फॉर ऑलमोस्ट अराउंड 799 रुपीज, लेकिन अगर आप इस बॉक्स को देखें तो यहाँ पे आपको नीचे दिखेगा कि इसकी एमआरपी लिखी हुई है 1999। लेकिन दोस्तों मैंने इसको जैसा कि बताया आपको कि मैंने इसको मंगवाया है 799 का। तो यहाँ पे दोस्तों इसका नाम, इस प्रोडक्ट का नाम है टैग MagGrip। MagGrip इसलिए है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ये एक मैग्नेटिक मोबाइल माउंट है। यहाँ पे दोस्तों आपको मिल जाता है उसकी फोटो, यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि ये 360 डिग्री ओरिएंटेशन वगैरह सब कुछ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड फ्लिप है, विंडशील्ड है, तो ये जो है एक अच्छी बात है यहाँ पे। या फिर इसके जो साइलेंट फीचर्स है वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, और ये जो प्रोडक्ट है बेसिकली आता है फोरकॉम टेक्नोलॉजीज के तरफ से। तो चलिए दोस्तों अब जल्दी से देखते हैं कि हमें इस बॉक्स के अंदर क्या कुछ जो है देखने को मिल जाएगा। तो जैसे इस बॉक्स को हम यहाँ पे खोलते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा डॉक। तो दोस्तों ये है बेसिकली मोबाइल डॉक। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये एक यूजर गाइड है, यानी कि एक स्टेप बाय स्टेप यूजर गाइड यहाँ पे इन्होंने इस बॉक्स के साथ इंक्लूड किया है। हालांकि इतना कुछ डिफिकल्ट प्रोसेस तो इसको इंस्टॉलेशन का होगा नहीं, लेकिन अच्छी बात है कि कंपनी ने जो है इसको शेयर किया है। तो इसके अलावा हमें यहाँ पे मिलता है मेटल प्लेट्स। तो दोस्तों ये जो प्लेट्स हैं बेसिकली आप अपने फोन में स्टिक करिएगा या फिर अपने फोन और कवर के बीच में जो इसको रख लीजिएगा, तो कोई भी रफ एजेस जो है इस प्लेट में नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है, किसी भी तरीके से ये फोन को जो है डैमेज नहीं करेगा। और साथ में दोस्तों यहाँ पे एक और छोटा सा प्लेट है जो कि सर्कुलर प्लेट है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोस्तों प्रोटेक्टिव लेयर है, यानी कि इसको आप पील ऑफ करके अपने फोन में जो है चिपका सकते हैं। तो ये तो बात होगी प्लेट की, अब हम बॉक्स को यहाँ पे साइड में रख देते हैं। सो ये हो गया प्लेट्स, और ये दोस्तों है मेन माउंट। तो माउंट जो है बेसिकली प्लास्टिक में आता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं टैग की ब्रांडिंग की हुई है, और ये बेसिकली रबराइज्ड है दोस्तों, यानी कि इसका जो हेड है ये रबराइज्ड है, जो कि एक अच्छी बात है, फोन को डैमेज नहीं करेगा। नीचे जो सक्शन प्लेट है यहाँ पे आपको एक वाइट प्रोटेक्टिव कवर दिखेगा, और ये है इसका लॉकिंग लीवर, यानी कि इसको हम लॉक कर सकते हैं यहाँ से। तो ओवरऑल दोस्तों इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी बढ़िया है, चीप क्वालिटी नहीं लग रही है, ढंग की क्वालिटी है। और अगर आप इसको देखेगा तो यहाँ पे ये जो है एक अच्छे क्वालिटी के रबर से जो है कवर्ड है, ताकि इसे ओरिएंटेशन 360 डिग्री ओरिएंटेशन जो है सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे इसका हेड जो है दोस्तों मूवेबल है। काफी सिंपल सा प्रोडक्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक काफी यूजफुल प्रोडक्ट है। अगर आप बहुत ज्यादा ड्राइव करते हैं, नेविगेशन का यूज करते हैं अपने फोन में, तो ये एक काफी हैंडी और निफ्टी प्रोडक्ट जो है आपके लिए जरूर होगा। तो गाइस अब मैं इसको अपने कार में लगाऊंगा और देखता हूँ कि कैसा जो है इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस रहती है, किसी तरीके से ये फोन को गिरा तो नहीं देता, और क्या ये स्टेबल रहता है, ये जो है अभी मैं अपने कार में लगा के टेस्ट करूंगा। सो गाइस मैंने जो है इसको अभी तक टोटल 5 डेज जो है यूज किया है, और अभी तक काफी अच्छा परफॉर्मेंस जो है ये दे रहा है। एज सच मुझे कोई भी प्रॉब्लम जो इसमें नहीं दिख रही है। सो गाइस अपने 5 डेज के यूज में मैंने इसको काफी सारे अनइवन टेरेन्स में जो है यूज किया, और मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें कहीं पे भी मुझे जो है किसी भी तरीके का प्रॉब्लम जो है मैंने फेस किया है। फोन जो है इंटैक्ट रहता है, यहाँ तक कि मैं ये पूरा वीडियो जो अपने फोन माउंट की जगह इस मैग्नेटिक माउंट से जो है शूट कर रहा हूँ, बस यही देखने के लिए कि क्या ये वर्थ दी मनी है, क्या इट्स वर्थ पेइंग 799। जो पिछले 5 दिनों में भी जो है दोस्तों मैंने इसको अपने नेविगेशन के लिए यूज किया है, और उसमें ये जो है काफी अच्छा फोन को ग्रिप करके रखा है ये माउंट, एंड आई फील इट्स गुड
good product for 799, obviously little bit steep price, but still the product is good. अगर आप एक ऐसा ही magnetic mount ढूंढ रहे हैं तो I think you can go for it. Mount जो है इसका 360 degree rotatable है और lock कर सकते हैं आप mount को, भी usable है, आप फिर screen पे चिपका लो. मैंने जैसे इसको dash पे चिपका रखा है तो it's working fine without any issues and I feel कि ये एक अच्छा product आपके लिए भी बन सकता है. So guys, that's it. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऑटोमोटिव के दुनिया से ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ. और जाने से पहले दोस्तों, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ऑलवेज फासन योर सीट बेल्ट व्हेन यू ड्राइव एंड ऑलवेज वेयर योर प्रोटेक्टिव गैस एंड हेलमेट व्हेन यू राइड. टिल देन, टेक केयर, गुड बाय एंड ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स.